पिछले 12 बजे से लेके अभी तक 8-9 होने वाले हैं। अच्छा, अभी तक बंद है भाई? उनकी वो गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो सुबह से नहीं आई। इतने कसम से बच्चे बेचारे गाड़ियों में, वो ना कुछ खाने के लिए सुबह से चीज है, ना पीने के लिए है। ओहो, ये तो बड़ा मसला बना हुआ है आपके। वो वैसे अभी थोड़ी देर पहले वो सदीर अब्बासी है वहाँ पे हमारा रिपोर्टर ना मरी में, तो वो अभी यही खबर उसने दी है गाड़ियों की। वो ये काइंडली को खबर तो चलाएं कम से कम, ये अभी अभी उसने अभी अभी जस्ट उसने अभी खबर चलवाई है, ये अभी उसने दी है। ये शहजाद भाई देखे ना, जो कुछ हो सकता है कुछ मेहरबानी करें। सर मैं अभी बात कर लेता हूँ दोबारा उससे कि वो आप किस साइड पे खड़े हैं। ये अपना मरी से जो नथिया गली की तरफ रोड जाता है ना, हाँ, ये कुल डंडा के कौन सा आता है, यहाँ से आगे सारी पूरे रोड पे बर्फ ही बर्फ पड़ी है और गाड़ियाँ बिल्कुल आधी आधी सीट में डूबी हुई है बर्फ। ओहो, ये तो बड़ा मसला। बेचारे रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, हर गाड़ी में बच्चे बैठ गए, हर गाड़ी में बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ना तो सुबह से खाने के लिए है, ना पीने के लिए है, और बच्चे जनाब उनकी हालत बुरी हुई है। और इनकी वो एक गाड़ी आती है बर्फ हटाने वाली, वो ऐसे नवाब है, सुबह से ना कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला आया है वो गाड़ियाँ आगे से हटवाता, ना कोई वो गाड़ी आई है बर्फ हटाने वाली। अच्छा, तो ये मैं किसी को मैं सर अभी मैं दोबारा उससे जरा बात करता हूँ। ये नवीद इकबाल की लास्ट वॉइस कॉल है जिसमें उन्होंने बताया कि वो किन मुश्किलात से दो चार हैं और किस तरह से पुरुमीद है कि कोई ना कोई उनकी मदद को पहुंच जाएगा।